भाई देखो, अभी थार रॉक्स को लॉन्च किया है महिंद्रा वालों ने, और महिंद्रा वालों की अभी की जो ख्वाहिश है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे एक गाड़ी दिखा रहा हूँ, वो है थार। थार जो पुराना वाला मॉडल है, 3.8 है, और 3.8 अपने आप में बादशाह है, क्योंकि महिंद्रा की ये गाड़ी सबसे ज़्यादा चली है और सबसे अफोर्डेबल प्राइस में इन्होंने इन गाड़ी को लॉन्च किया था, और आज भी ये गाड़ी बिक रही है अफोर्डेबल प्राइस में, बराबर सबसे सस्ती प्राइस में। ऑफ रोडिंग कार में जो गाड़ी शामिल है वो है थार, और थार अच्छी खासी चलती है, और थार में व्हील वगैरह मतलब चारों व्हील 4x4 वो सारा कुछ अच्छा आता है, तामझाम सब बढ़िया है। लेकिन जो थार रॉक्स को लॉन्च किया है, वो थार रॉक्स को इसी पैगाम पे लॉन्च किया है कि उसमें फैमिली ओरिएंटेड कार भी बने और ऑफ रोडिंग के लिए भी कार बने। आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है थार रॉक्स। थार रॉक्स में आपको देखो टॉप मॉडल में सारा कुछ मिल जाता है, उसमें आपको सीट बेल्ट प्लेट मिल जाएगी, आगे वाली जाली मिल जाएगी, महिंद्रा के बैचिंग मिल जाता है, आगे आपको जो DRL सपोर्टेड ये सब हेडलाइट मिल जाती है, इंडिकेटर मिल जाते हैं टर्न वाले। तो फिर इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मैं वन बाय वन आपको स्टार्ट करते हैं और मतलब धीरे धीरे मैं आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पर ADAS आपको Level 2 मिल जाता है, ADAS भी मिल जाता है, या ADAS भी मिल जाता है, ऊपर सनरूफ भी मिल जाता है। थार में ऊपर का रूफ सनरूफ वाला मिलेगा। ये देखो आज जो साइड वाला प्रोफाइल देख रहे हो उसमें देखो दो डोर मतलब 5 डोर थार ये हो गई है कम्प्लीटली। 18 इंच के इसमें एलोय मिल जाते हैं, और उसकी जो डायमंड कट एलोय की स्टाइल है मेरे को बहुत ही बढ़िया लगती। आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर से बताना। पीछे की बात करें तो पीछे आपको अच्छी खासी डिज़ाइन मिलती है, मैं तो इसको बोलता हूँ कि ओल्ड मॉडल की इंस्पायर्ड डिज़ाइन ही है। नीचे हम बात करें तो सस्पेंशन वगैरह भी अच्छा आता है इसमें, टाँकी वगैरह मतलब पेट्रोल की टंकी वगैरह भी अच्छी बड़ी आती है, एग्जॉस्ट भी अच्छा आता है उसमें कोई शक नहीं है, अच्छी बात है। हम बात करें यहाँ पे साइड प्रोफाइल की दूसरी बार, तो इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे आपको स्किड प्लेट पे ही मिल जाएंगे। बाकी हम बात करते हैं तो इसमें आपको जो पिछले वाला डोर खुलेगा वो साइड से खुलेगा, मतलब कि नॉर्मल जैसा नहीं खुलेगा, अच्छी बात है, अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि ऑफ रोडिंग के टाइम पर ऊपर से ही देखना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको पीछे वाला जो स्पेस मिलता है, पीछे का रियर स्पेस वो बहुत बढ़िया मिलता है, आए और ये बड़ा स्पेस मिलता है पीछे वाली सीटों आने के तो भी। और यहाँ पे हार्मन कार्डन का इसमें आपको स्पीकर मिल जाता है जो बहुत ही बढ़िया साउंड देता है। पीछे वाले डोर की बात करें तो पीछे वाले डोर के अंदर घुसते ही हमको मिलता है बड़ा सा केबिन, 90 डिग्री इसका दरवाज़ा भी खुल जाता है बाकी सब गाड़ियों की तरह। और दूसरी हम बात करें तो इस गाड़ी में आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, स्पेस मानो के जो पिछली वाली थार में मिलता था वो स्पेस बहुत ही कम था, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि इतने लोग नहीं सफ़र कर सकते थे। लेकिन इस गाड़ी को फैमिली ओरिएंटेड कार के रूप से बाहर निकाला है कंपनी ने, इसलिए तो इसको थार रॉक्स बोले हैं। और रॉक्स जो रॉक्स का नाम है कि उसको फैमिली ओरिएंटेड बनाना, ठीक है। तो कंपनी ने इसको फैमिली ओरिएंटेड कार बनाया, पीछे आपको ऐसी वेंट भी मिल जाते हैं, तो पीछे तीन लोग बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं उसको अच्छी खासी हवा मिलती रहे। यहाँ से मैं आपको आगे वाला जो डैशबोर्ड है दिखाता रहता हूँ, और आगे की सीट में हम बाएँ जाएंगे तो को ड्राइवर पैसेंजर सीट में भी आपको अच्छे खासे यहाँ पे देखो बॉटल होल्डर मिल जाता है, सिंगल टच ऑन ऑफ मिरर मिल जाता है। बाकी हम बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा मेरे को तो इंटीरियर लगता है। बाकी ओल्ड बाइक में बात करूँ तो यहाँ पे देखो महिंद्रा का बेजिंग भी आ जाता है। दूसरी हम बात करें तो यहाँ पे आपको लेदर फिनिश इंटीरियर मिल जाता है। तो देखो इस गाड़ी को बनाया है दिल से, टाइम लगा है कंपनी को बाहर निकालने के लिए रॉक्स को, लेकिन कंपनी ने बनाया है इस गाड़ी को दिल से, क्योंकि यहाँ पे देखो टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग भी आता है और इसमें टिल्ट भी आता है। स्पीकर की बात करें तो स्पीकर भी अच्छे हैं और सारे इसमें कंट्रोल दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM भी है इसमें। तो क्या है क्या यार यार ये चीज़ें हैं ना, ये लुभाती है कंपनी, ये कंपनी लुभाने वाली चीज़ें देती है जिससे गाड़ियाँ बिकती है। खाली ऑफ रोडिंग से गाड़ी नहीं बिकेगी थार, लेकिन इसमें फैमिली ओरिएंटेड देखो मेमोरी फंक्शन भी दे दिया है, 6-way एडजस्टेबल मेमोरी फंक्शन सीट का इसमें फीचर दे दिया है। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट मिलती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड वाला फीचर भी मिल जाता है, फिर क्या चाहिए आपको।
और देखो मैंने थोड़े बहुत पिक्चर रखे हैं कंपनी ने जो रिवील करे हैं वो फाइव डोर के। देखो इसका डिज़ाइन वगैरह देखो कितना मस्त है, अच्छा डिज़ाइन दिया है और लंबाई भी इतनी दी है, व्हील बेस भी इतना दिया है। इसमें आपको मैंने पहले बताया है वैसे वेंटिलेटेड सीट भी दी है। यहाँ पे देखो हार्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम दिया है टच स्क्रीन वाला, और स्क्रीन भी बड़ी दी है, सनरूफ है वो भी बड़ा दिया है। तो देखो और एक चीज़ मेरे को खटकती है, वाइट इंटीरियर देना नहीं चाहिए था यार, दूसरा दे देते क्योंकि ये वो फ्रोडन की कार है। और लेवल टू एडास दिया है, सबसे बड़ी बात है लेवल टू एडास। और इसमें जो की फंक्शन जैसी फैसिलिटीज़ है, पार्किंग असिस्टेंट है, भाई इस गाड़ी में 15-20 लाख रुपए में क्या ही लोगे आप, 4x4 भी मिल रहा है, फैमिली ओरिएंटेड कार भी मिल रही है। और दूसरा इस गाड़ी में आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब सारे सेफ्टी फीचर है, एक सेफ्टी फीचर नहीं है ऐसा नहीं है, सारे ही सेफ्टी फीचर है इस गाड़ी में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।